वहीं कैप्टन अमरिंदर सिंह और केजरीवाल के बीच शुरू हुए ट्विटर वॉर पर अब सियासत गर्मा गई है। आशा कुमारी जहां कैप्टन अमरिंदर सिंह के लंबे सियासी अनुभव का हवाला दे रही हैं, तो वहीं बीजेपी को लगता है कि कैप्टन और केजरीवाल के बीच की सियासी तूतू मैमे में पंजाब बीजेपी का फायदा होगा। कैप्टन अमरिंदर सिंह और अरविंद केजरीवाल के सियासी ट्विटर वॉर में कांग्रेस और बीजेपी भी कूद पड़ी है। पंजाब कांग्रेस की प्रदेश प्रभारी आशा कुमारी ने अरविंद केजरीवाल पर डिबेट से भागने का आरोप लगाया है। उन्होंने कहा कि केजरीवाल आमने सामने की लड़ाई नहीं लड़ सकते। उन्होंने कहा कि केजरीवाल शायद भूल रहे हैं कि कैप्टन अमरिंदर सिंह पंजाब के मुख्यमंत्री रह चुके हैं और उनके पास सियासत का लंबा अनुभव है। देखिए, अरविंद केजरीवाल जी ने खुद ही इस बात को रखा और उन्होंने कुछ टिप्पणियां की अपने ट्विटर पे जो कि अशोभनीय थी। कैप्टन साहब ने उनके डिबेट को पे आने के लिए स्वीकार किया और जब डिबेट की बारी आई तो केजरीवाल जी वहां उससे भाग रहे हैं। तो मैं तो ये देख रही हूँ कि केजरीवाल जी के पास बोलने को है ही कुछ नहीं। वो पीठ पीछे वार कर सकते हैं, सामने से खड़े होकर के फेस नहीं कर सकते सच्चाई को। कैप्टन और केजरीवाल की ट्विटर वॉर ने पंजाब बीजेपी को सियासी फायदा उठाने का मौका दे दिया है। बीजेपी नेता का कहना है कि दोनों की हालत एक जैसी है और कैप्टन को सूबे की जनता पहले ही आजमा चुकी है। एक अमरिंदर सिंह की सरकार से जड़े आज अपने सरकार के की पे हो एक काम बारे चर्चा नहीं कर सकते। उन्हें भी राजनीति सिर्फ इनू फड़ के बंद करता आप करना कितना भी कुछ बोल नहीं सकते। दोनों झूठे वादियों से विश्वास कर रहे हैं। अरविंद केजरीवाल ने जिन्हें झूठ बोल के दिल्ली ने लोगों को गुमराह किया, आज दिल्ली का इतना बुरा हाल कि केजरीवाल साहब को दिल्ली छोड़ के कदे पंजाब से कदे गोवा से कदे दूसरे सूबे से पतला पे है। केजरीवाल साहब जी, क्या आप पंजाब को वैसे ही चलाएंगे जैसे आपने दिल्ली को चलाया है? और अमरेंद्र सिंह से एक सवाल पूछें कि अमरेंद्र सिंह जी, क्या आप पंजाब को वैसे ही चलाएंगे जैसा आपने पहले चलाया है और मनमोहन सिंह और सोनिया गांधी ने हिंदुस्तान को चलाया है? ये सवाल पूछना चाहिए, बहुत ही क्लियर है। दिल्ली विधानसभा चुनाव और लोकसभा चुनाव में जनता आम आदमी पार्टी की सियासत को परख चुकी है। आरोप लगाने की राजनीति में आम आदमी पार्टी का कोई सानी नहीं है। दिल्ली से पंकज कपाही, अमृतसर से राजन गोसाई के साथ न्यूज डेस्क रिपोर्ट, जी मीडिया।